दी ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर तथा समदृष्टि क्षमता एवं मंडल के संयुक्त उपक्रम द्वारा दृष्टिबाधितों के लिए रेडियो चैनल रेडियो अक्ष स्थापित किया गया है। ऐसी जानकारी सोमवार को आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। इस दौरान बताया गया कि रेडियो का खुद का एक ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध किया गया है। इस वक्त बताया गया कि इस रेडियो ऐप से अंध दिव्यांगों को पढ़ाई के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने में मदद मिलेगी। रेडियो अक्ष एक तरह का ऐप है, इसे सुनने के लिए हेडफोन या ईयरफोन पहनने की जरूरत नहीं होगी। यह रेडियो ऐप अंध दिव्यांगों को निःशुल्क दिया जाएगा। नई तकनीक से अंध दिव्यांगों को शैक्षिक और अन्य सामग्री, सूचना, मनोरंजन आदि ऑनलाइन रेडियो के माध्यम से प्रदान किए जा सकते हैं। इसके लिए ऑडियो बुक लाइब्रेरी में जाए बिना कहीं से भी ऑडियो पुस्तकों तक पहुँचना संभव होगा। उल्लेखनीय है कि ऑडियो बुक्स लिपि की सुविधा दिव्यांगों को पहले से ही मिल रही है। आजपर्यंत अंध मुलं जे शिकत होते ते ब्रेल पुस्तकावरून शिकत होते। जसजशी टेक्नॉलॉजी बदलत गेली तर टेक्नॉलॉजीचा वापर करत करत मोबाईल वापरायला लागले। आत्ता जसं शिरीजीने सांगितलं की आपण एक अब्रार नावाचं इन्स्ट्रुमेंट तयार केलं होतं, जेवढे ऑडिओ कंटेंट आपण तयार करायचो ते मेमरी कार्डमध्ये रेकॉर्ड करून त्या अब्रार नावाच्या इन्स्ट्रुमेंटला इन्सर्ट करून ते हेडफोन लावून चालता बोलता अभ्यास करू शकत होते। जसजशी टेक्नॉलॉजी बदलत गेली तर कोरोना काळामध्ये अभ्यासापासून पोरं खूप दूर गेले, कारण नागपूर शहराच्या आसपास गावामधले पोरं होते सगळे। तर ते त्यांचा अभ्यासात फार व्यत्यय आला, व्यवस्थित अभ्यास करू शकले नाही। पण तरी देखील या कोरोना काळामध्ये सर्व पोरं स्मार्टफोन कसा वापरायचा शिकायला लागले। आपल्या शाळेतून त्यांना ऑनलाईन टीचिंग पण झालेलं होतं आणि जेव्हा लक्षात आलं की हे सगळे पोरं इंटरनेट आणि स्मार्टफोन चांगला वापरू लागले तेव्हा आम्ही आणि शिरीजीने असं ठरवलं की यांच्याकरता यांच्या घरी बसल्या बसल्या यांना सगळे कंटेंट जे आहे अभ्यासाचे इतर साहित्याचे हे कंटेंट पोचवता आलं पाहिजे, आणि म्हणून आम्ही हा अक्ष नावाचा रेडिओ इंटरनेट चॅनल चालू करायचं ठरवलं। कार्यक्रमाचं उद्घाटन उद्या संध्याकाळी 6:30 याच अंध विद्यालयाच्या परिसरातील नवदृष्टी सभागृहात संध्याकाळी 6:30 होणार आहे। याच्याकरता मेन अध्यक्ष जे आहे, उद्घाटक जे आहे ते राहुल पांडे जे इन्फॉर्मेशन कमिशनर आहेत, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर आहेत, आणि प्रमुख पाहुणे म्हणून नागपूर महानगरचे सहसंघचालक श्रीधरराव गाडगे हे राहणार आहेत। मी मकरंद वसंतराव पांढरीपांडे, दी ब्लाइंड रिलीफ असोसिएशन अध्यक्ष। दि ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के अध्यक्ष मकरंद पंडरी पांडे के अनुसार 25 मार्च से ही रेडियो के पंजीकरण और मोबाइल ऐप के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। प्रारंभ में कुछ दिनों तक कुल 6 घंटे तक इसका प्रसारण होगा। एक बार शेड्यूल तय हो जाने के बाद इसे दिन में 12 घंटे प्रसारित किया जाएगा और 24 घंटे में दोबारा भी प्रसारित किया जाएगा। प्रत्येक विषय की ऑडियो क्लिप के बाद स्टेशन आईडी की ऑडियो क्लिप चलाई जाएगी। स्टेशन आईडी है, आप सुन रहे हैं रेडियो अक्ष, अंध दिव्यांगों का अपना रेडियो चैनल। शुरू में प्रसारण का समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। कैमरा पर्सन राजेश डंगीटवार के साथ दिशा हटवार, वीकेबी न्यूज नागपुर। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक नागपुर।